राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है वो है कि जगन्नाथ जी गए थे हम, वहां से मैंने क्या शॉपिंग करी है और क्या लेके आई हूँ, वही आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ जगन्नाथ जी देने के लिए। तो ये मैं ना 5 लेके आई थी अपने पड़ोस में देने के लिए, अपनी बिल्डिंग में देने के लिए। और रिया अपनी फ्रेंड को दे के आ गई क्योंकि उसको कॉलेज जाना था, तो वो ले गई थी। तो ये लेके आई हूँ मैं देने के लिए। और रिया ये लेके आई थी, कुछ 4-5 लेके आई थी, तो अपनी फ्रेंड को दे दिए। और ये एक बचा हुआ है, ये हमारे पास रखा हुआ है। तो ये भी ना शंख से बना हुआ है, ब्रेसलेट है ये। तो एक रिया ने अपने पास रख लिया है, उसने 4 अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं। तो ये है। और जो मैं जगन्नाथ जी लेके आई हूँ वो भी दिखाऊंगी आपको मैं, जो मैं अपने लिए जगन्नाथ जी लेके आई हूँ वो भी दिखाऊंगी। और भक्तों, एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैम महाप्रसाद की आप वीडियो जरूर बनाना। तो देखो, जो महाप्रसाद होता है, जो अंदर जो प्रसाद मिलता है, उसकी तो हम वीडियो बना नहीं सकते थे। हाँ, हमने प्रसाद लिया था, वो अंदर ही हमने खा लिया था सबने, क्योंकि फोन ले जाना तो अलाउड नहीं है। तो हम उसकी वीडियो कैसे बनाते? फोन हमारे भारी जमा हो जाते हैं उस मंदिर में, फोन ले जाना अलाउड नहीं है, वीडियो बनानी अलाउड नहीं है। तो इसलिए उस प्रसाद की तो वीडियो नहीं बन पाई है। तो हमने वैसे जो प्रसाद है वो ग्रहण कराया, और थोड़े से चावल में लेके भी आई हूँ, वो अपनी मैं किचन में रखूंगी। जो महाप्रसाद होता है ना, उसमें चावल दाल सब्जी काफी तरह के प्रसाद होते हैं उसके अंदर। तो थोड़े से मैं चावल लेके आई थी जो मैंने अपनी किचन में रख दिए हैं, बने हुए चावल थे तो वो मैंने अपनी किचन में रख दिए। और हाँ, द्वादशी पड़ी थी तो मैंने उसी से अपना पारायण भी करा था उस दिन, जब हम वहीं पे थे जगन्नाथ जी में द्वादशी वाले दिन, तो मैंने उन्हीं चावलों से अपना पारायण भी कर लिया था। हम भक्तों, मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ कौन से जगन्नाथ जी आए हैं। तो इसमें है जगन्नाथ जी, अभी खोलूंगी मैं। और एक चीज और दिखाऊंगी जो हमें पुजारी जी ने दी है, ये मिली है वहां से हमें चाबी। और इस पर लक्ष्मी जी बनी हुई है इस पर, और एक यहाँ पर ये यंत्र है, और ये हमें उन्होंने बोला है अपने तिजोरी में रखने के लिए, जहाँ पे भी आप पैसे वगैरह रखते हैं तो उस जगह रखनी है। तो हमें ये मंदिर से मिली है, जगन्नाथ जी के सामने बिल्कुल जो पुजारी बैठते हैं वहां से हमें ये चाबी मिली है। और हाथ में हमारे चारों को कलावा दिया था बांधने के लिए, बांध दिया था उन्होंने, मगर खुल गए थे वहां पे, तो वो भी हमने अपने पास रखे हुए, वो बांधेंगे, कलावे जो हाथ में बांधने के लिए दिए हैं। और मैंने सोचा आप सभी को भी मैं इसके दर्शन करा दूं, जो हमें ये मंदिर से चाबी मिली है जिसपे यंत्र है और लक्ष्मी जी बनी हुई है। तो ये चाबी मिली थी। और अब जगन्नाथ जी दिखा देती हूँ, बहुत दिन से मन था जगन्नाथ जी लाने का। मैंने ऑनलाइन भी देखे थे और हमारे यहाँ मार्केट में मिलते नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही देखे थे। पुरी में, जैसे पुरी में जो बेचते हैं वहां से भी हमने ऑनलाइन देखे थे, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली बता रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कभी हम जगन्नाथ जी जाएंगे, हमें जगन्नाथ जी भगवान बुलाएंगे, तो हम वहीं से जगन्नाथ जी लेके आएंगे। तो बस हमें जगन्नाथ जी ने अपने पास बुलाया, दर्शन दिए, और तो जगन्नाथ जी वहीं से आए हैं पुरी से। तो आपको दिखाती हूँ मैं अपने कृष्ण भगवान बलदाऊ और सुभद्रा जी के दर्शन कराती हूँ। तो आप पहले दर्शन कर लीजिए अच्छे से, फिर बताती हूँ इसमें कृष्ण भगवान कौन से हैं, बलदाऊ कौन से हैं, सुभद्रा कौन सी है। वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये हैं हमारे कृष्ण भगवान, ये है सुभद्रा, और ये हैं बलदाऊ भैया, तीनों। तो आप दर्शन कर लीजिए, और इनकी वीडियो भी आएगी मैं इनकी स्थापना कैसे करूंगी मंदिर में। अभी तो मैं आपके साथ ये सिर्फ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। और वहां से ना मैं इनके लिए ड्रेस भी लेके आई हूँ, वैसे तो मैं इनके लिए ड्रेस बनवाऊंगी, तो वहां पे मेरे को ठीक मिल गई थी तो मैंने ये ले ली। तो अभी मैंने भी खोल के नहीं देखी है ड्रेस, तो सिर्फ बाहर से ही पैकिंग दिख रही थी मेरे को ऐसे, तो मैंने ले लिया है। मैंने सोचा ले लेती हूँ, साइज भी पता चल जाएगा और साइज भी दे दूंगी बनवाने के लिए ड्रेस। तो ये पगड़ियाँ हैं,
मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तीन पगड़ियाँ, ये तीन पगड़ियाँ, एक ये है येलो कलर की, एक रेड कलर की है और ये ग्रीन कलर की। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये पगड़ी कौन कौन सी है। पीताम्बरी हमारे कृष्ण भगवान को पसंद है और रेड कलर हमारी सुभद्रा जी का है और ये है बलदाव जी का। तो ये तीनों कलर हैं इनके अलग अलग, और ऐसे ही ड्रेस के कलर हैं। तो ड्रेस तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस मैंने साइज के हिसाब से ले ली थी, तो मैंने सोचा इसी को यही नाप दे दूंगी, मैं जो मैं लेके आई हूँ ना यही नाप दे दूंगी, इसी से बनवा लूंगी। और एक मैंने सोचा ले लेती हूँ ड्रेस, जाके मैं पहना दूंगी, एकदम तो ड्रेस बन नहीं पाएगी क्योंकि मेरे को कपड़ा भी लाना पड़ेगा, लेस भी लानी पड़ेगी। तो ये है तीनों की ड्रेस। अब जल्द ही रथ यात्रा भी निकलेगी, वो भी वीडियो आपके पास आ जाएगी कब निकलेगी। अभी बस ये तीन मुकुट हैं, तो मैंने सोचा इनका सब नाप देके मैं बनवा लूंगी, और तीन ही पटके हैं इनके, तीनों के अलग अलग। तो ये तीनों का कलर है हमारे भगवान का, तीनों का। तो ये मैंने वहां से ड्रेस ली थी इनकी। तो भक्तों मैं आपको एक बात बताऊंगी, बहुत से लोगों को पता है, बहुत से को नहीं पता, जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, तो मंदिर में एकादशी मैया उल्टी लटकी हुई है। क्यों उल्टी लटकी हुई है वही मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम घर में ना चावल बनाते हैं ना खाते हैं, तो वहां पर उल्टा ही है। जगन्नाथ जी में जो है वहां पर एकादशी पर चावल खाए जाते हैं, जिसका व्रत है वो भी, और जिसका व्रत नहीं है ना वो भी चावल खाता है। तो इसके पीछे कुछ बातें हैं, तो वही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक बार ना ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथ जी में, भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने की इच्छा से वो मंदिर में पहुंचे, जो कि प्रसाद वहां पर समाप्त हो चुका था। जो वहां पे महाप्रसाद की थाली जो मिलती है ना, अंदर ही मिलती है, तो वो हमें वैसे लेके जरूर खानी चाहिए। जब भी आप दर्शन करने जाए ना तो वो महाप्रसाद जरूर से ग्रहण करें। वो ब्रह्मा जी प्रसाद खाने की इच्छा से वहां पहुंचे थे, मगर महाप्रसाद समाप्त हो चुका था। तो एक पत्तल में थोड़े से चावल थे, जिसके थोड़े से दाने थे, जो कि एक कुत्ता ना चाट चाट कर खा रहा था। और ब्रह्मदेव भक्ति भाव से इतने डूबे हुए थे कि जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खाने की लालसा में उन्होंने उस कुत्ते के साथ बैठकर जो बचे कुछ चावल थे वो खा लिए। और जिस दिन ब्रह्मा जी जो चावल खा रहे थे, जो कुत्ते के पत्तल में जो चावल थे बचे कुचे वो खा रहे थे ना, तो उस दिन एकादशी भी थी। तो वहां पे एकादशी मैया प्रकट हो गई, और एकादशी मैया जोर जोर से हंस रही थी तभी जगन्नाथ जी भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और एकादशी माता ने महाप्रसाद का निरादर किया था, इसलिए उन्हें दंड स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें बंधक बनाकर जगन्नाथ जी जो मंदिर है उसमें उल्टा लटकाया हुआ है। तो इसके पीछे की ये पौराणिक कथा है कि वहां पर जो चावल हैं एकादशी के दिन भी खाए जाते हैं, उनका निरादर नहीं किया जाता क्योंकि वो महाप्रसाद है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था, मेरा जो प्रसाद है मुझसे भी बड़ा है, जो भी व्यक्ति यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा और प्रसाद भी ग्रहण करेगा, महाप्रसाद भी ग्रहण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बस उसी दिन से जगन्नाथपुरी में एकादशी हो या कोई अन्य कोई भी दिन हो, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद पर किसी भी व्रत का मतलब कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए वहां पर एकादशी हो, जिसका व्रत है वो भी, और जिसका व्रत नहीं है तो उसे चावल जरूर खाने चाहिए, जो महाप्रसाद होता है मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिलता है। तो यही छोटी सी मेरे को आपको बात बतानी थी। वैसे तो काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं भी पता, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं। वहां पे एकादशी मैया उल्टी लटकी हुई है, और वहां पे चावल का एकादशी पे क्यों खाया जाता है। तो यही है छोटी सी वीडियो। तो अभी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जो हमारे जगन्नाथ जी की स्थापना करूंगी मैं मंदिर में, वो भी वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगी। तो इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।